नारायण थाने की पुलिस ने 5 अगस्त को युवक का अपहरण करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्रोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर प्रदूषण चौराहा सिंगरिया से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान विकेश शुक्ला पुत्र गिरिजेश शुक्ला निवासी मोहल्ला पालनकुंडा गौरी बाजार जनपद देवरिया हाल पता उचवा टोला झरना टोला थाना शाहपुर गोरखपुर, दूसरा अंशुमान गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी मकान नंबर 57 आवास विकास कॉलोनी कूड़ाघाट थाना कैंच गोरखपुर, तीसरा शिवम सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी 214 आवास विकास कॉलोनी थाना कैंच गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 12 जुलाई को सिंगरिया मॉडल शॉप पर मारपीट हुई थी, जिसमें अभियुक्त ज्वाला निषाद पुत्र ललन निषाद निवासी सिंगरिया थाना कैंट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 2 अगस्त को जमानत पर रिहा होने पर ज्वाला निषाद को 5 अगस्त को जिम जाने वाले रास्ते पर सिंगरिया से 4 लड़के असलहे के साथ गाड़ी में बैठाकर उठा ले गए। पुलिस को जानकारी होने पर उन लड़कों के घरों पर दबिश दी जाने लगी, तब इन लोगों ने ज्वाला निषाद को सहारा स्टेट के पास छोड़कर भाग गए। ज्वाला निषाद की तहरीर के आधार पर सचिन यादव पुत्र पुंजाय प्रसाद यादव निवासी गिरधरगंज थाना कैंट गोरखपुर, दूसरा विकेश शुक्ला पुत्र अज्ञात तीसरा शक्तिधर सिंह पुत्र अज्ञात सहित 2 अज्ञात लोग घटना के षड्यंत्र में शामिल थे। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि घटना में सचिन यादव विकेश शुक्ला अंशुमान गौड़ शिवम के द्वारा सचिन यादव की चारपहिया गाड़ी के साथ घटना कारित की गई। सचिन यादव ही असलहा लेकर आया था और असलहा उसके ही पास है। घटना करने का कारण यह है कि 12 जुलाई को मॉडल शॉप पर मारपीट में सचिन यादव के सर पर एवं उंगली में चोट लगी थी, जिस कारण सचिन यादव परेशान था एवं शराब का नशा करता है। शराब के नशे में वह बदला लेना चाहता था। उसी ने हम सभी लोगों को बुलाया था कि ज्वाला जेल से छूट कर आया है, इसको सबक सिखाना है। ज्वाला निषाद जब जेल से छूटा था तो जेल से रिहा होने पर ज्वाला निषाद के हाथ पर रिहाई की मोहर लगी हुई थी। व्हाट्सएप के स्टेटस पर हाथ के फोटो का स्टेटस लगाकर लिखा था कि जेल से छूट कर आया हूं, अब जो होगा देखा जाएगा। उसके स्टेटस को देखकर सचिन बदला लेने के लिए परेशान था। हम लोगों का दोस्त होने के कारण हम लोग भी साथ हो गए थे। हम लोग 5 अगस्त को जिम के पास से ज्वाला को गाड़ी में उठा कर ले गए, लेकिन तुरंत पुलिस की घेराबंदी तथा अपने आप को घिरता देख हम लोग पकड़े जाने के डर से ज्वाला को तुरंत सहारा स्टेट के पास छोड़ दिए। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अमित चौधरी, अखिलेश कुमार, कांस्टेबल वैभव श्रीवास्तव, अंकित कुमार, राकेश सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत सिंगड़िया क्षेत्र में एक मॉडल शॉप पर 12 जुलाई को एक मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना के अभियुक्त को 3 तारीख को जेल से रिलीज हुआ। जेल से रिलीज होने के बाद में उसने एक अपनी स्टेटस लगाई व्हाट्सएप पे कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। उस स्टेटस को देखते हुए 12 जुलाई की घटना में जो लोग पीड़ित थे उनके द्वारा बदला लेने की भावना से ज्वाला निषाद नाम के व्यक्ति को 5 अगस्त को जिम जाते वक्त उसको उठा लिया गया था एवं अपहरण किया गया। उस अपहरण के बाद में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उसको अपहृतों से रिलीज़ करवा लिया और अपहृत उसमें भाग गए थे। वो फरार अपहृत आज अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 3 लोग जिनका नाम विकेश शुक्ला अंशुमन गौड़ और शिवम सिंह सचिन यादव नाम का अभियुक्त अभी भी फरार है एवं उस पर 25,000 रुपये इनाम की भी घोषणा की गई है। अगर किसी व्यक्ति को सचिन गुप्त नाम के व्यक्ति की अगर पता चलता है तो ज़रूर पुलिस को सूचित करें। इस प्रकार शहर में मनबड़ों का
मनोबल और ना बढ़े, इसके लिए पुलिस द्वारा शहर में गश्ती भी अच्छे से की जा रही है एवं प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं की रिपीटेशन भी ना हो। अभी तक इस प्रकार का कोई पुराना आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ 12 तारीख को जो घटना हुई थी उसका बदला लेना था और उसी बदले लेने की भावना से ही उन्होंने इस व्यक्ति का अपहरण किया था। थैंक यू।